झारखंड की 3 लोकसभा सीटों दुमका, राजमहल और कोडा के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड में 11 बजे तक 29.55% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 30.04% मतदान राजमहल ST लोकसभा सीट पर हुआ है। वहीं दुमका में 29.24% तो गोडा में 29.39% मतदान हो चुका है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कुछ बूथ पर मतदान देरी से शुरू हुई, इसको लेकर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरे ने बूथ संख्या 45 पर हंगामा किया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि जानबूझ के मतदान करने में देरी करवाया जा रहा है। तो क्या होगा बताइए, मतलब ये मनमानी है, सरकार की मनमानी है। क्या परेशानी हुआ? वहीं दुमका लोकसभा के काटीकुंड प्रखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में लोग बेखौफ होकर मतदान कर रहे हैं। यहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय शुरू आपानी के बूथ नंबर 6 पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी है। महिलाएं भी कतार में खड़ी है, सुरक्षा कर्मी चौकस है। वहीं नाला विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 91 उच्च मध्य विद्यालय पाटनपुर पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। रविन्द्रनाथ महतो नाला विधानसभा के विधायक है। सब लोग अपना अपना मतदान करें। मतदान में कैसे तंत्र के महापर्व में सारे लोगों को मतदान में भाग लेना चाहिए और बढ़ चढ़ करके अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। अभी तो लोगों में रुझान अच्छा देखा जा रहा है। वोट के प्रति, लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।